जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला गुरुवार शाम एक कार बम विस्फोट से दहल उठा। दरअसल जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक वाहन को निशाना बनाते हुए बम विस्फोट किया। इस बम विस्फोट में अब तक 21 जवानों के शहीद होने और लगभग 45 जवानों के घायल होने की खबर है, जो शहीदों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि घायल जो जवान हुए हैं उनमें 8 जवानों की दशा काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। और श्रीनगर जम्मू हाईवे पर स्थित अवंतीपुरा इलाके में आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक काफिले पर जब हमला किया, उसके बाद दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अलर्ट जारी किए गए हैं। जैश ए मोहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है। इसके बाद से जो पुलिस है, सुरक्षा बल हैं, उन्होंने जगह जगह तलाशी अभियान छेड़ दिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया है और कहा है कि घटना के जिम्मेदार लोगों की तलाश जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार शाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर अवंतीपुरा के लेथीपोरा गरीपोरा के पास घात लगाकर बैठे आतंकियों द्वारा हमला किया गया। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने इस इलाके में पहले हाईवे पर लगाई IED में ब्लास्ट किया और फिर CRPF जवानों के वाहनों पर ऑटोमेटिक हथियारों से जबरदस्त गोलीबारी की। हालांकि जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि यह कार बम फिदाइन हमला था जिसे गुंडीबाग पुलवामा के आदिल अहमद ने अंजाम दिया और उसने अपने आप को भी उड़ा लिया था। फिलहाल अधिकारी इसके प्रति कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। इस हमले में CRPF का जो वाहन था वो चपेट में आया और काफ़ी लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद जवानों को तुरंत श्रीनगर के अस्पताल में शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया, लेकिन अस्पताल में ले जाते वक्त जवान शहीद होते रहे और कुछ जवानों ने बताया जा रहा है कि अस्पताल में भी दम तोड़ा। अब तक 21 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलवामा में मौजूद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की अन्य कंपनियों को अवंतीपुरा भेजा गया। आतंकी वारदात के बाद सेना ने फिलहाल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक बंद करते हुए अवंतीपुरा और आसपास के इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन किया है। इसके अलावा पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और श्रीनगर जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमले में घायल जवानों का इलाज लगातार जारी है और एजेंसियों के अधिकारी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस घटना पर बात की है और जो घटना है उसकी पूरी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री सहित पूरा जो मंत्रिमंडल है इस घटना पर नज़र बनाए हुए है। बैठकों का जो दौर है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी लगातार जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।